In this question, we have to draw the labeled graph of the following modulus function. इसमें जो हमको कुछ पांच पार्ट हैं, पांच modulus functions दे रखे हैं और इसका हमको ग्राफ बनाना है. First part is y equal to mod of 7 minus 2x, right? We can also write it as y equal to mod of 2x minus 7 because mod of minus 5 and mod of 5 both are same. So mod of minus a and mod of a both are same. So mod of 7 minus 2x को mod of 2x minus 7 भी लिख सकते हैं. तो जहां तक ग्राफ की बात है, बस इसका जो चेंजिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वो होगा जहां पे ये जीरो, 2x minus 7 is 0 when x is 7 by 2. तो 7 by 2 पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0. 7 by 2 से कोई भी वैल्यू अपन ज्यादा लेते हैं, है ना, जैसे 5 ले ली, 10 ले ली, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी. x का कोफिशिएंट भी 2 है. तो ग्राफ की शेप ऐसी हो जाएगी. और 7 बाई 2 से कम पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे माइनस 10 भी रख देंगे, तो मॉड की वजह से ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जीरो से ज्यादा आएगी. सो दिस इज y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7. और जीरो पे क्लियरली वैल्यू इसकी 7 आ रही है, मॉड ऑफ माइनस 7 इज 7. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 7. तो ये तो हमने केवल इसका टर्निंग पॉइंट देख के, क्योंकि 7 बाई 2 पे टर्न होगा, 7 बाई 2 पे वैल्यू 0 है, एक हमने 7 बाई 2 से ज्यादा ले ली, एक कम ले ली, और उसके अकॉर्डिंगली सीधे हमने ग्राफ बना दिया. यदि इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना हो, सो वी कैन डिफाइन 7 बाई 2 पे तो 0 है, 7 बाई 2 से ज्यादा पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस से ओपन करेंगे, और 7 बाई 2 से कम पे इसको माइनस से ओपन करेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, राइट. तो डिफाइन करके भी हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया अभी, तो डायरेक्टली भी 7 बाई 2 और एक बार 7 बाई 2 से ज्यादा और एक बार 7 बाई 2 से कम कोई वैल्यू हम चेक करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट में दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 3x माइनस 2. तो या तो इसको हम प्रॉपरली पूरा डिफाइन करके ग्राफ बनाए, अदरवाइज डायरेक्टली जो टर्निंग पॉइंट है उसको चेक कर लेते हैं. चूंकि हमने स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ा भी नहीं है, तो पहले तो ग्राफ बना लेते हैं डायरेक्टली. तो इसमें दो मॉडुलस साइन है. फर्स्ट वाले के लिए टर्निंग पॉइंट जो होगा, साइन चेंजिंग पॉइंट, वो होगा 1, और सेकंड वाले के लिए होगा 2/3. तो इस ग्राफ में हमको दो टर्निंग पॉइंट मिलेंगे जहां पे ग्राफ टर्न होगा. एक तो होगा 2/3 और एक होगा 1. इन दोनों में वैल्यू चेक कर लेते हैं. तो 2/3 पे ये तो जाएगा 0, और यहां पे 2/3 पुट करेंगे तो मॉड ऑफ माइनस 1/3 दैट इज प्लस 1/3. तो 2/3 पे तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, राइट. और 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माइनस 1. राइट. सो 2/3 पे तो इसकी 1/3 हो गई और 1 पे हो गई माइनस 1. एक 1 से ज्यादा रख लेते हैं. सपोज मैं 2 पुट करता हूं, सो 2 पुट करने पे तो हो गया 1 एंड दिस इज 6 माइनस 2 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो और ज्यादा नेगेटिव हो रही है, तो और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो कर दी. 2/3 से पहले अपन देखें तो 0 पुट कर देता हूं, तो 0 पुट करने पे ये तो आ गया 1 एंड दिस इज मॉड ऑफ 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 पे ये माइनस 1. और ज्यादा नेगेटिव पुट करूंगा, वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी. सो दिस इज द रफ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 3x माइनस 2. ग्राफ तो हमारा बन गया. यदि इसको डिफाइन भी करना चाहें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि मॉड ऑफ x माइनस 1, इसके लिए चेंजिंग पॉइंट है 1, सो इसको हम 1 से ज्यादा पे तो प्लस से ओपन करेंगे और 1 से कम पे माइनस से. सिमिलरली मॉड ऑफ 3x माइनस 2 है, इसको 2/3 से ज्यादा पे तो प्लस होगा ही और 2/3 से कम पे माइनस.
राइट, कंबाइंड इसको देखेंगे तो वी कैन सी दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू. अब चेंजिंग पॉइंट एक तो हो गया वन और एक टू बाई थ्री. और इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हैं, टू बाई थ्री पे यहां पे लगाएं चाहे यहां पे लगाएं, वन पे कहीं भी किसी एक जगह. तो टर्निंग पॉइंट जो टू बाई थ्री और वन थे, तो माइनस यूनिटी से प्लस यूनिटी को तो एक बार मैंने टू बाई थ्री पे ब्रेक कर लिया और एक बार वन पे. तो लेस देन टू बाई थ्री, तो लेस देन टू बाई थ्री पर ये माइनस से होगा और ये भी माइनस से होगा, राइट. लेकिन यहां में एक माइनस साइन और लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस टू. 2 बाई थ्री से 1 तो अभी भी ये लेस देन 1 है, तो इसको तो माइनस से, लेकिन 2 बाई थ्री से ज्यादा पे इसको हमको प्लस से करना है. तो दिस इज माइनस ऑफ 3x माइनस 2 और 1 से इन्फिनिटी में ये प्लस और इसको भी प्लस से 3x माइनस 2. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दैट दिस इज माइनस x प्लस 3x. सो दिस इज 2x and plus 1 minus 2 minus 1. ये minus x minus 3x minus 4x and plus 1 plus 2 plus 3 and this is minus 2x plus 1 1 to infinity, right. तो जो हमने जो ग्राफ बनाया है इस पर अलग अलग इंटरवल में लिखेंगे, तो इस केस में तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन, टू बाई थ्री से वन में दिस इज माइनस फोर एक्स प्लस थ्री और इसमें आ जाएगा ये वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन. सो दिस इज द लेबल्ड ग्राफ ऑफ सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमारे पास तीन मॉडुलस की टर्म्स हैं, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन. तो इसका हमको लेबल्ड ग्राफ बनाना है, तो या तो हम इसको पूरा डिफाइन करें फिर बनाएं, लेकिन उस पर भी हमको स्ट्रेट लाइन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन पढ़ा भी नहीं है. तो सीधे हम देखें इसके लिए जो टर्निंग पॉइंट है दैट इज वन, इसकी डेफिनेशन वन पे चेंज होगी. इसके लिए टर्निंग पॉइंट फोर हो जाएगा, कि फोर पे जीरो हो रहा है, फोर से ज़्यादा पे पॉजिटिव, फोर से कम पे नेगेटिव, और इसके लिए टर्निंग पॉइंट हो जाएगा सेवन. तो जहाँ पे ये ग्राफ टर्न होगा यदि वो पॉइंट्स मैं शो कर दूँ, एक तो आएगा वन, एक फोर और एक सेवन, राइट. वन पे इसकी वैल्यू चेक करें तो वन पे तो हो गया जीरो, यहां पे आ जाएगा थ्री और यहां पे आ जाएगा सिक्स, थ्री प्लस सिक्स नाइन. तो वन पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नाइन. फोर पुट करेंगे तो फोर पे ये जीरो, यहां से आएगा थ्री और यहां से आएगा थ्री सिक्स, तो फोर पे वैल्यू आ जाएगी इसकी सिक्स. सेवन पे हम देखेंगे तो सेवन पे ये जीरो, यहां से आएगा थ्री और यहां से आएगा सिक्स नाइन, तो अगेन सेवन पे नाइन, राइट. अब एक सेवन से ज्यादा रख लेते हैं तो हंड्रेड रखने पे डेफिनेटली वो नाइन से ज्यादा ही आएगी, और यदि मैं एक इधर रखूंगा तो जीरो पे तो कितनी आएगी, सेवन फोर इलेवन और वन ट्वेल्व, और इधर और ज्यादा आती जाएगी, तो जीरो पे दिस वैल्यू इज ट्वेल्व. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन. दीज आर द चेंजिंग पॉइंट्स, राइट. यदि मैं इसको ए बी और सी से शो करूँ तो ए के कॉर्डिनेट तो हो जाएंगे फोर कॉमा सिक्स, बी का एक्स कॉर्डिनेट सेवन, वाई कॉर्डिनेट नाइन, और सी का एक्स कॉर्डिनेट वन और वाई कॉर्डिनेट नाइन. फर्दर इसको आपको डिफाइन भी करना हो तो वी कैन डिफाइन वेरी इजिली. चेंजिंग पॉइंट वन फोर और सेवन है, तो पहले तो माइनस यूनिटी से प्लस यूनिटी को वन फोर और सेवन पे ब्रेक कर देते हैं. अब माइनस यूनिटी से वन के बीच में हम देखेंगे तो सारे ही
तीनों मॉडुलस माइनस से पुन होंगे, और 7 से इन्फिनिटी पे तीनों प्लस से। राइट, 1 से 4 में, तो 1 से 4 में ये तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो प्लस से, बाकी ये दोनों 4 से कम है तो दोनों नेगेटिव से। और 4 टू 7 में, क्योंकि 4 से ज्यादा हो गया है तो ये तो दोनों प्लस, लेकिन ये अभी भी 7 से कम ही है तो इसको माइनस से। दैट मीन्स इन डिफरेंट इंटरवल्स y विल बी, दिस इज माइनस 3x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 12 एंड दिस इज, एक x तो कैंसिल हो गया, इट इज माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 7 11, 11 माइनस 10 तो प्लस 10। इन दिस इंटरवल इट इज एक्स एंड इट इज 7 एंड प्लस 5 तो इट इज प्लस 2, और इसमें सारे प्लस से ओपन होंगे तो दिस इज 3x माइनस 12। तो इसको यदि शो करते हैं तो 7 टू इन्फिनिटी में तो ये हो गया y इक्वल टू 3x माइनस 12, 4 टू 7 में दैट इज y इक्वल टू x प्लस 2, 1 टू 4 में दैट इज y इक्वल टू माइनस x प्लस 10 और माइनस x प्लस 10, और 1 से कम में इट इज y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। So this is the labeled graph of the third part. Fourth part में हमको graph बनाना है y equal to mod of 4x plus 5, तो यह बड़ा आसान सा है क्योंकि इसमें केवल एक ही term है modulus की, और changing point इसके लिए clearly क्या हो रहा है, minus 5 by 4, तो minus 5 by 4 पे ये 0 हो रहा है। So if you define it, it will be like that. इसको हम plus से open करेंगे if x is greater than equal to minus 5 by 4, और माइनस से ओपन करेंगे if x is less than minus 5 by 4। राइट, सो चेंजिंग पॉइंट हो गया माइनस 5 by 4, तो माइनस 5 by 4 पर तो ये जीरो आ रहा है। यदि माइनस 5 by 4 से कोई भी ज्यादा वैल्यू पुट करता हूं, जैसे मैंने 0 पुट कर दी तो 5 आ जाएगा, 10 पुट कर दी तो इट विल बी 25, सो दिस विल बी द ग्राफ। और माइनस 5 और से कम भी कुछ पुट करता हूं तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो इस केस में ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। राइट, सो दिस इज द लेबल्ड ग्राफ ऑफ fourth part, y equal to mod of 4x plus 5. And finally, the last part, fifth one, is mod of 2x minus 3. तो जैसे इसके लिए minus 5 by 4 था changing point, इसके लिए हो जाएगा 3 by 2. 3 by 2 पे ये 0 हो रहा है. So if we define 3 by 2 से ज्यादा पर तो इसको हम plus से open करेंगे, और 3 by 2 से कम पर माइनस से। दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट जहां पे ग्राफ टर्न होगा वो 3 बाई 2 हो जाएगा। 3 बाई 2 पुट करने पे तो ये 0 हो गया। 3 बाई 2 से कोई ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, है ना, जैसे पालो 10 पुट कर दिया तो इट इज पॉजिटिव, तो बढ़ता हुआ ग्राफ आ जाएगा। और 3 बाई 2 से कम रखेंगे ना, जैसे 0 रख देंगे तो माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 3।
So this is y equal to minus 2x plus 3. So this is the labeled graph of fifth part.